ये विजिट इतना ज्यादा जबरदस्त है, नॉट ओनली एक विजिट है, अमेरिका की भी ऐसी तैसी फेरी पड़ी है और चाइना की भी, क्योंकि चाइना को मालूम है अगर मोदी जी गए हैं ये ट्रांसफर करवा कर आएंगे, अभी तो ब्राह्मोस जो है उसी का सदमा है चाइना बर्दाश्त नहीं कर पाया, सुखोई 57 का सदमा कैसे बर्दाश्त करेगा, मुझे लगता है ये अपने आप ही खत्म हो जाना है चाइना ने। रशिया चाइना अभी भले ही फ्रेंड हो लेकिन भैया ये पुराने जो है वो राइवल है, और यहां रशिया और इंडिया जो है वो 1971 के बाद ऑल वेदर फ्रेंड्स रहे हैं, इसमें लोगों ने बचने हैं अमेरिकनों के साथ, चाइना के साथ के खिलाफ, और चाइना के साथ अमेरिकनों के खिलाफ, रूस के खिलाफ, ऐसे तो ये इनके साथ दोस्ती की एक के साथ तालिबान के साथ कैसे कर सकते हैं, जब तक इन लोगों को पनाह देते हैं, हथियार देते हैं, फंड करते हैं और हिंदुस्तान के साथ इनको हमारे खिलाफ भेज रहे हैं। भारतीय प्राइम मिनिस्टर का रशिया का ये विजिट कैसे हिस्ट्री में अपना रिकॉर्ड बना गया है, और मोदी जी ने एक दाव में वेस्टर्न वर्ल्ड और ईस्टर्न वर्ल्ड दोनों को कब्जे में कर लिया, नाप लिया अच्छी तरह से, और ये विजिट इट इज गोइंग टू बी अ लैंडमार्क विजिट फॉर भारत आल्सो। क्यों? इसलिए मोदी जी ने एक आंसर भी देना था वेस्टर्न वर्ल्ड को, उसी जाओ भाड़ में, मैं वही करूंगा जो मेरे नेशनल इंटरेस्ट में होगा। अब मुझे समझ आ गया कि दोस्त कौन और दुश्मन कौन। अमेरिका नहीं चाहता कि हम हथियार खरीदें, और आपको खुशखबरी दे दूं, मोदी जी जो वहां जा रहे हैं वहां पर सुखोई 57 की बात हो रही है कि जॉइंट वेंचर भारत में होगा और भारत में इसे प्रोड्यूस किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पीएम मोदी जी का रशिया में इतना भव्य स्वागत हुआ है जिसे देख चीन समेत पूरी दुनिया हैरान हो गई है। खासकर चीन को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि ऐसा स्वागत रशिया ने शी जिनपिंग के आने पर भी नहीं किया था। ये सीधा रशिया का चीन को इशारा है कि हम चाइना पे डिपेंडेंट नहीं है, भारत हमारे साथ खड़ा है। पीएम मोदी के वहां पहुंचते ही रूसी अधिकारियों ने एयरपोर्ट पे उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी गर्जजोशी के साथ उनके साथ हाथ मिलाया। यूरोप में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन का वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख पूरा यूरोप की चीखें निकल गई हैं। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन मंगलवार को होने वाले बैठक से पहले पीएम मोदी को अपने आवास जहां पुतिन रहते हैं वहां पीएम मोदी को डिनर पर इनवाइट किया, जिसका वीडियो अमेरिका समेत पूरे यूरोप में सर्कुलेट हो रहा है। वेस्टर्न मीडिया का रिएक्शन देख के पता चलता है कि पूरे यूरोप इस विजिट से मातम मना रहा है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बड़े मुद्दे पर बात हो सकती है। ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जंग के बीच रूस का दौरा कर रहे हैं। ये मुलाकात काफी मायने रखती है क्योंकि पूरा वेस्ट ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि रशिया चाइना पे डिपेंडेंट। ये रशिया, इंडिया और चाइना, ये लव एंड हेट ट्रायंगल है। इसको क्वाड्रिलेटरल बनाता है अमेरिका। अब ये जो रिलेशन है कुछ ऐसा एकता कपूर के सीरियल टाइप है कि इसका वो, उसका वो, उसकी गर्लफ्रेंड उसका बॉयफ्रेंड वो बन रहा है। अच्छा, ये इसमें चाइना को कैसा, चाइना हाउ विल चाइना रिएक्ट टू दिस ट्रिप? इनका पहला विजिट जीतने के बाद एससीओ में नहीं जाना, दूसरी बात, और तीसरा रशिया जाना और वो भी एक दिन के लिए, अनअनाउंस्ड विजिट। किसी को दुनिया में नहीं मालूम था कि मोदी जी रशिया जा रहे हैं और जाने के बाद वहां पर क्या करने वाले हैं, ये भी किसी को पता नहीं है। मालूम है कि इलेक्शंस के दौरान मोदी जी को एक चीज पता लग गई कि अमेरिका ऊपर से तो हमें दोस्ती दिखाता है, अंदर से उसने पूरी कोशिश करी है, बेशक वो सोरोस के थ्रू हो या CIA के थ्रू हो, मोदी जी को हटाने के लिए। ये सारे प्रूफ मोदी जी के पास भी हैं। उन्हें पता लग गया कि ये यार कभी भी धोखा दे सकते हैं, और इन्होंने, अमेरिकन्स ने कभी भी दुनिया में किसी को साथ भी साथ नहीं दिया, हमेशा धोखा ही दिया है। इसलिए अमेरिका ने क्या किया, पिछले 10 सालों में एक ही कोशिश करी कि भारत किसी तरीके से रशिया से दूर हो जाए, और बहाना भी लगाया जब यूक्रेन का वॉर हुआ तब भी हमारे ऊपर पूरा प्रेशर डाला गया कि आपने ना तो हथियार खरीदने हैं, ना तेल खरीदना है, ना कोई रिलेशनशिप रखना है। मोदी जी भी 2019 के बाद रशिया नहीं गए, जबकि हमारा ऑल वेदर फ्रेंड, मैं पाकिस्तान की लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, ऑल वेदर फ्रेंड रशिया हमेशा ही रहा है हमारे साथ। इसलिए मोदी जी ने एक आंसर भी देना था वेस्टर्न वर्ल्ड को, उसी जाओ भाड़ में, मैं वही करूंगा जो मेरे नेशनल इंटरेस्ट में होगा। अब मुझे समझ आ गया कि दोस्त कौन और दुश्मन कौन। अमेरिका नहीं चाहता कि हम हथियार खरीदें, और आपको खुशखबरी दे दूं, मोदी जी जो वहां जा रहे हैं वहां पर सुखोई
57 की बात हो रही है कि जॉइंट वेंचर भारत में होगा और भारत में इसे प्रोड्यूस किया जाएगा। रशिया को जरूरत है इस वक्त, रशिया ने किसी को भी सुखोई 57 नहीं दिया है, टेक्नोलॉजी तो किसी को भी नहीं दी है। भारत एक ही बात बोलता है, आपकी टेक्नोलॉजी हमारे पास सुरक्षित है, आइए मिलकर बात करते हैं, इंजन भी डेवलप करेंगे, प्लेन भी डेवलप करेंगे, हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो वहां पर हमने पहले ब्राह्मोस डेवलप करी है, उसके बाद स्टेज टू भी हम डेवलप करने वाले हैं, यही सारी चीजों के ऊपर बात करने के लिए, फैक्ट्रीज को यहाँ पर ट्रांसफर कराने के लिए बातें भी हो रही हैं। ये विजिट इतना ज्यादा जबरदस्त है, नॉट ओनली एक विजिट है, अमेरिका की भी ऐसी तैसी फेरी पड़ी है और चाइना की भी, क्योंकि चाइना को मालूम है अगर मोदी जी गए हैं ये ट्रांसफर करवा कर आएंगे, अभी तो ब्राह्मोस जो है उसी का सदमा चाइना बर्दाश्त नहीं कर पाया, सुखोई 57 का सदमा कैसे बर्दाश्त करेगा, मुझे लगता है ये अपने आप ही खत्म हो जाना है चाइना ने, कई फेंकू हैं जो बोलते हैं अगले महीने बस गया 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 चाइना, मुझे लगता है कि ये हरकत के बाद चाइना ने खुद ही खुदकुशी कर लेनी है कि यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ। और मोदी जी ने एक दाव में वेस्टर्न वर्ल्ड और ईस्टर्न वर्ल्ड दोनों को कब्जे में कर लिया, नाप लिया अच्छी तरह से, और ये विजिट इट इज गोइंग टू बी अ लैंडमार्क विजिट फॉर भारत ऑल्सो, क्यों, हमारे जो अगले प्लान्स हैं आपको मालूम है मोदी जी ने कहा था पहले 100 दिन में मैं बड़े बड़े काम करने वाला हूँ, ये मोदी जी भी छोड़ देते हैं, हम लोग स्पेकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि आप और मैं दोनों जानते हैं कि हम दोनों कभी भी वो फेंकू वाला काम नहीं करते, ना ही कोई अपने आप से बाहर निकल के कोई बात बोलते हैं, लेकिन ये छोड़ देते हैं मोदी जी के ऊपर कि वो क्या करने वाले हैं। इतना पता है कि रशिया में अगर गए हैं तो कोई बड़ा काम ही करने आएंगे, करके आएंगे, वरना ये रशिया नहीं जाते, और ये बैलेंसिंग फैक्टर बहुत देर से करना जरूरी था जो मोदी जी ने किया है इस बार। सवाल यही है कि भाई ये जो रशिया है ये हमारी मदद क्यों करेगा। भाई एक तरफ तो यह है कि रशिया और इंडिया की एक खास बात यह कि रशिया जो है वो इंडिया को नेचुरल फ्रेंड मानता है और कहीं ना कहीं चाइना पुराना एक राइवल है, यानी रशिया चाइना अभी भले ही फ्रेंड हो लेकिन भैया ये पुराने जो हैं वो राइवल हैं, और यहां रशिया और इंडिया जो हैं वो 1971 के बाद ऑल वेदर फ्रेंड्स रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और रशिया पूरे तरीके से चाइना के ऊपर डिपेंडेंस नहीं चाहता, रशिया बिल्कुल नहीं चाहता कि वो चाइना पर इतना डिपेंडेंट हो जाए कि कुछ आगे सोच ही ना पाए। सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने रेड कार्पेट तो होना ही था, वो तो कोई वो बात नहीं है, लेकिन जब मैं आपको मोदी साहब के इस विजिट की डिटेल्स बताऊंगी तो आपको पता ही चलेगा कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर का रशिया का ये विजिट कैसे हिस्ट्री में अपना रिकॉर्ड बना गया है। पुतिन ने मोदी को जब रिसीव किया तो उसके बाद वो उनको अपने घर लेकर गए और प्रेसिडेंट पुतिन ने पर्सनल टूर दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने घर का, ऐसा हर एक के साथ नहीं होता, यानी रशिया का प्रेसिडेंट किसी मेहमान को प्राइम मिनिस्टर को अपने घर का पर्सनल टूर दे, सबके साथ ऐसा नहीं होता। मैं आपको इस विजिट की हर डिटेल बताऊंगी, सब कुछ आपके सामने रखूंगी। नरेंद्र मोदी साहब ने उसके बाद अपने जो डायस्पोरा है वहाँ पर, इंडियन डायस्पोरा, उससे बातचीत भी की और उन्होंने उसके अंदर ये कहा है कि मैंने जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने आपको ये कहा था कि ये सेंचुरी भारत की सेंचुरी है, और अब दुनिया ये कह रही है कि ये सेंचुरी भारत की सेंचुरी है।